नमस्ते दोस्तों, मैं पूजा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पूजा की रेसिपी में। तो आज मैं आपके लिए लेके आऊँ बिना आलू के ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी, जिसे हम सिर्फ 10 मिनट में बनाकर तैयार करेंगे। जब भी आपका ब्रेड पकौड़ा खाने का मन है, इसे झटपट बनाकर आप तैयार कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। और यकीन मानिए, इतनी टेस्टी ब्रेड पकौड़ा बनकर तैयार होगा कि आप आलू का ब्रेड पकौड़ा खाना भूल जाएंगे। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो बिना आलू का ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे, यहाँ पर मैंने बेसन लिया है 1 कप है, आधा चम्मच नमक ऐड किया है और आधा चम्मच लाल मिर्च ऐड करूँगी। इसके बाद यहाँ पर मैंने 5-6 लहसुन की कलियों को छील लिया है और इस तरह से इसमें कद्दूकस कर दिया है। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। लहसुन अच्छे से कद्दूकस हो गया है। अब इसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका अच्छा सा बैटर बनाकर तैयार करेंगे। बैटर किस तरह का होना चाहिए मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर आप पानी को थोड़ा थोड़ा कर कर ऐड कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो हमारे बेसन में लम्स नहीं पड़ेंगे और बहुत अच्छे से घुल जाएगा। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसका एक थोड़ा सा गाढ़ा सा बैटर बना लेंगे। देखिए बैटर कुछ इस तरह का होना चाहिए, बैटर को पतला नहीं रखेंगे, नहीं तो ये ब्रेड पर अच्छे से कोट नहीं हो पाएगा और हमारा जो ब्रेड पकौड़ा अच्छे से नहीं बन पाएगा। अब ब्रेड पकौड़े की फिलिंग बना लेते हैं। जिसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 प्याज लिए हैं, 1 टमाटर को लिया है जिसे बारीक काट लिए, अंदर से बीज निकाल दिए इसके। आधा चम्मच चाट मसाला को ऐड करेंगे, नमक नहीं ऐड करेंगे क्योंकि चाट मसाले में हमारा ऑलरेडी नमक होता है। 2 से 3 चम्मच हरी चटनी को ऐड करेंगे। क्योंकि चटनी में भी नमक है इसलिए यहाँ पर नमक नहीं ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी इस तरह की भुजिया ऐड करेंगे, ये मार्केट में 5 से 10 रुपए में पैकेट बहुत आसानी से मिल जाता है, छोटे छोटे पैकेटों में होता है। इसे भी इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। अब 2 ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे और फिलिंग को इसमें ऐड कर देंगे। तो दोस्तों, आप एक बार इस तरह से ब्रेड पकौड़ा ज़रूर ट्राई करें, आप आलू का ब्रेड पकौड़ा खाना भूल जाएंगे, इतना टेस्टी ब्रेड पकौड़ा बनकर तैयार होता है। तो आपके लिए मैं कुछ नया लाने की कोशिश करती हूँ, तो एक बार मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और थोड़ी सी भुजिया इसमें ऊपर से और ऐड कर देंगे और दूसरी ब्रेड प्रेस कर देंगे। अब इसी फिलिंग से मैं एक और तरह का आपको ब्रेड पकौड़ा बनाना मैं बता रही हूँ। आप चाहे तो थोड़ा सा स्पाइसी खाने के या थोड़ा सा चटपटा खाने के शौकीन है तो आप इस तरह से भी इसे बना सकते हैं। फिलिंग को ब्रेड पर ऐड कर दीजिए, थोड़ी सी हरी चटनी ऊपर से ऐड कर दीजिए। इस तरह से भी ब्रेड पकौड़ा बहुत ही टेस्टी लगता है। फिर थोड़ी सी भुजिया को इसमें ऐड कर देंगे और ब्रेड को रखकर प्रेस कर देंगे। अब बेसन के घोल में ब्रेड को अच्छे से डिप कर देंगे, चारों तरफ से बेसन अच्छे से, जिससे इसमें कोट हो जाए। और एक तरफ हमने तेल गरम कर लिया है, अब मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे गोल्डन कलर नहीं देना है, बस हल्का सा इसमें गोल्डन कलर आ जाए तब तक हमें इसे फ्राई करना है। और हल्का सा तेल ऊपर से इसमें ऐड कर देंगे ताकि जब भी हम ये ब्रेड पकौड़ा पलटें तो जो हमारा बेसन है दूसरी साइड का इस पर चिपके ना। ये देखिए, बस इसी कलर आने तक हमें इसे फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा रेड नहीं करना है, नहीं तो इसकी स्किन जो है ऊपर से थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी और हमारा जो ब्रेड पकौड़ा है खाने में अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए हमारा ब्रेड पकौड़ा फ्राई हो गया है, अब इसे कढ़ाई से निकाल लेंगे। अब बीच से कट कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा बढ़िया सा टेस्टी, तो बिना आलू का बहुत ही टेस्टी ब्रेड पकौड़ा बनकर तैयार है। तो दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नीचे बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं एक और नई रेसिपी लाने के लिए। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।